राहुल हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा, मृतक के दोस्त ही निकले उसके हत्यारे। गायब धड़, बाइक और आला कत्ल बरामद। बता दें कि मूल रूप से नई झांसी के केवटान बस्ती निवासी राहुल बंद अपने ननिहाल धूरपुर थाना क्षेत्र के निवी गांव में परिवार समेत रहता था। आशनई को लेकर उसके चार दोस्तों ने एक साजिश के तहत औद्योगिक क्षेत्र स्थित मासिका गांव के समीप नवनिर्मित रेलवे ट्रैक के निकट धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या करते हुए उसके धड़ और बाइक और मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज और SP यमुनापार दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन में करछना क्षेत्राधिकारी सच्चिदानंद के नेतृत्व में घूरपुर थाना प्रभारी वृंदावन राय और औद्योगिक क्षेत्र इंस्पेक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सनसनीखेज वारदात के खुलासे को लेकर दो टीम गठित की गई। गठित टीम ने महज 24 घंटे के अंदर ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। साथ ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार करते हुए मृतक की गायब गर्दन और बाइक समेत आला कत्ल को भी बरामद करने में भारी सफलता प्राप्त की है। SP यमुनापार दीपेंद्र नाथ चौधरी के मुताबिक सनसनीखेज वारदात की खुलासा करने वाली गठित टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसने एक सूरज गौतम नाम का एक लड़का है जो कि घोघापुर का रहने वाला है, इसके माध्यम से इसको 700 रुपये दिए 8 तारीख को। अगर तुम कल इसको शाम को जो घटनास्थल वहाँ पे बुला लोगे तो हम लोग इसकी हत्या करेंगे। इसने पैसे कितने? पैसे बोले नहीं। तो इसने जो है शाम करीब 5 बजे सूरज गौतम उस प्लेस पे आ गया और इसने 13 बार उसकी मोबाइल से जो डिटेल निकली 13 बार इसने कॉल किया है राहुल को, राहुल और एक बार इवन भोले ने भी इसको कॉल किया है राहुल को, मृतक को लास्ट का। राहुल जो है शाम को लगभग 7:30 के आसपास उस घटनास्थल पर बाइक से आया। तीनों लोग ये प्रमोद और भोले और चंदन वहाँ ऊपर इंतजार कर रहे थे, ये सूरज गौतम नीचे खड़ा था। जैसे बाइक नीचे से आई है तीनों लड़के ये नीचे आए हैं और इन्होंने तत्काल उसको पकड़ा है, इसके साथ मारपीट की और इसका मुंह दबाया और इसका गला काटा। गला काटने में इसका जो बताते हैं प्रमुख भूमिका प्रमोद की थी, प्रमोद कुमार बिंद ने इसका गला काटा और इसके जो प्राइवेट पार्ट्स को क्षति पहुँचाई गई वो भोले ने पहुँचाई। इस प्रकार से वहाँ चारों लोग मौजूद थे और उसकी जो गर्दन कटी इसको ये लोग उसी मृतक की बाइक से और एक इनके पास साइकिल थी, चारों लोग तीन लोग बाइक से और एक साइकिल से, जो सूरज जिसने इसको बुलाया था, ये लोग वहाँ से चले और आकर के एक छित्तूपुर गांव है धर्मा चौकी के ठीक पीछे एक इंटर कॉलेज है, एक बड़ा पुराना इंटर कॉलेज है सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज, उसी के ठीक पीछे पुराना अंग्रेजों के जमाने का बना कुआं था, एक बहुत गहरा कुआं एक छोटा कुआं। उस छोटे वाले कुएं में इन्होंने एक बूरे बोरी में भर के इसके कटे हुए सर को उसमें डाल दिया। उसके पश्चात उसकी जो बाइक थी प्रमोद कुमार बिंद वो लेकर के गया और आगे गोंगी गांव के पास एक नहर में वहाँ बहुत बड़ी झाड़ी थी उसके अंदर उस बाइक को डाल दिया और उसके बाद प्रमोद अपने घर चला गया, सूरज अपने घर चला गया और भोले पुनः जो कि चाट का ठेला लगाता है नीवी गांव में 9 बजे तक ये चाट के ठेले पर फिर आ गया वहाँ, जिससे कि इसके ऊपर किसी को शंका ना हो और चाट का अपना ठेला और वहाँ चाट बेचना शुरू कर दिया। और सुबह बड़ी प्रमुखता से इन लोगों ने साजिश के तहत आकर के वहाँ उसकी सर की या उसकी खोजबीन शुरू कर दी और जो जाम लगाने वाले भी वहाँ जो समस्या करने वाले थे यही लोग थे और इन्होंने ही वहाँ पर पुलिस के सामने ये पेशकश की कि हमें सर चाहिए उसके बाद ही डेड बॉडी यहाँ चाहिए। इस प्रकार से इसके 4 अभियुक्त इस घटना में प्रकाश में आए, प्रमोद कुमार बिंद, इंद्र कुमार बिंद उर्फ भोले, प्रमोद पुत्र है ये ईश्वर चंद्र बिंद, प्रमोद कुमार बिंद पुत्र ईश्वर चंद्र बिंद ग्राम नीबी, दूसरा है भोले उर्फ इंद्र कुमार बिंद पुत्र बबाऊ निवासी नीवी, तीसरा है चंदन बिंद पुत्र फूलचंद बिंद निवासी नीवी, चौथा है सूरज गौतम पुत्र राजेश गौतम निवासी घोघापुर।